रिकॉर्डिंग ही पहुँच चुके हैं। सो वेलकम टू द वेरी फर्स्ट रमदान व्लॉग। टुडे इज़ फ्राइडे, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना फुल डे रूटीन एज अ मेडिकल स्टूडेंट, लाइक हाउ आई एम मैनेजिंग माई डेज, लाइक अपनी स्टडीज अलॉन्ग विद दैट, लाइक घर से दूर इतना, एंड दैट्स टू इन वेरी डिफरेंट कल्चर, लाइक साउथ का खाना बिल्कुल डिफरेंट है, एंड सब कुछ खुद से मैनेज करना लाइफ में पहली बार। सो आई विल शो यू द फुल डे रूटीन। अभी हम प्रिपेयर करेंगे अपने लिए सहरी। सहरी इज़ लाइक फास्ट रखने के लिए मॉर्निंग में जो खाना खाते हैं उसको सहरी बोलते हैं। सो अभी मैं उसी के लिए प्रिपरेशन करूँगी, ज़्यादा कुछ खास नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ होता नहीं है ऐसा कुछ बनाने के लिए, छोटा सी सिखा लेते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आई एम नॉट फास्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ कुकिंग आई एम, किसी को प्रूफ नहीं करना लाइक, लेकिन आप छोटी सी वीडियो से कैसे जज कर सकते हैं इसको। चलो एनीवे, मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपना फुल डे रूटीन, एंड आई एम एक्साइटेड क्योंकि दिस इज माई वेरी वेरी फर्स्ट ब्लॉग, एंड मैं दोबारा से रिस्टार्ट करी अपनी ब्लॉगिंग, सो वो भी मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है। सो चलो प्रिपेयर करते हैं एंड मिलते हैं। तो सबसे पहले हम क्लीन करते हैं अपनी टेबल, जो मेरी स्टडी टेबल के साथ साथ मेरा किचन भी है। एंड अभी जब मैं मार्ट गई थी ना तो मैं एक छोटा सा फ़ैन लाई थी, वैसे यहाँ बहुत गर्मी है बट ये फ़ैन किसी काम का नहीं है। मैंने रात में ना नीचे से डोसा ला के रखा था कि ताकि मॉर्निंग में मैं खा सकूं, क्योंकि मेरे पास खाना नहीं था, सिर्फ एक मेरे पास बटर नान था। आई होप ये सही हो और ये ना मेरे साथ जो स्कैम हुआ था उसका ही एक बटर नान है। अच्छा, इसकी स्टोरी मैं बताऊंगी बाद में क्या स्कैम हुआ था। अब देख लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी तैयार करते हैं। एंड ये मेरी बन रही है यहाँ पर चाय, होप स्वाद सही रहे। चलो वाटर को फिल कर लेते हैं क्योंकि मैं मॉर्निंग में बहुत पानी पीती हूँ, पूरा दिन आप पानी नहीं पी सकते तो उसकी कमी पूरी मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। एटलीस्ट 2 से 3 या 4 बोतल भी मैं पी जाती हूँ। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरे फेस से देख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने चाय बनाई थी ना वो ख़राब हो गई थी। और मैं ना डेली इस उम्मीद में चाय बनाती हूँ कि आज तो सही होगी, बट ऐसा अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ कि एक भी दिन मैं चाय पी पाई हूँ। एंड ये जो डोसा था ना इसमें से भी मुझे गंदी सी स्मेल आ रही थी, बट क्या करें, मेरे पास ऑप्शन में कुछ और था ही नहीं खाने के लिए क्योंकि एक बटर नान एनफ नहीं होता। बट आप मेरे फेस से देख सकते हैं मेरा रोने का फेस हो रहा था, लिटरली घर की बहुत याद आ रही थी क्योंकि मेरे पास अब लास्ट में ऑप्शन बचा था ये बटर नान, और मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो जितना हो सकता है पानी पी लेते हैं, थोड़ा तो यार ये सपोर्ट करेगा हमें रोज़ा रखने में। बट यार क्या करें, लाइफ है, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एंड एनीवे इसी तरीके से मेरे रमज़ान गुजरे हैं और अब मैं इस डोसे का क्या करूँगी मुझे खुद नहीं पता क्योंकि ये सच में ख़राब हो गया था और बटर नान में खा चुकी थी। अब था हमारा कि चलो फाइनली अपना रोज़ा रख लेते हैं, तो मैंने सोचा जितना हो सकता है पानी पीते हैं। मैंने एटलीस्ट 4 से 5 बोतल पानी पिया। तो हमने अभी अपना रोज़ा रख लिया है, हम सब चीज़ से फारिग हो चुके हैं। एंड अभी मेरे पास 2 आवर्स हैं, 7:30 पर मैं उठूँगी क्योंकि मेरी क्लास 8:30 पर है। तो मैं सोच रही थी कि चलो सो जाते हैं एंड रेडी होकर फिर उसके बाद कॉलेज जाएंगे। मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। सो दिस इज़ माई लुक टुडे। और आज मैं ना 8 AM को उठी हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ क्लास के लिए। वैसे मेरे को कुछ खाना नहीं था तो मेरे पास टाइम बच गया था तैयार होने के लिए। अभी हम निकलते हैं क्लास के लिए और मिलते हैं आपसे, बाय बाय। रोटी हमारी बैचमेट है जो डे स्कॉलर है ना, कल मेरे साथ एक तो स्कैम हुआ कि मैंने 3 बटर नान ऑर्डर किए थे और मुझे 3 की जगह 1 बटर नान मिला।
देन उसके बाद मैं डोसा लेकर आई थी, डोसा खराब हो गया, चाय बनाई चाय खराब हो गई, मेरी किस्मत ही खराब थी। एंड मैं सुबह सोच रही थी यार मैं घर को बहुत मिस कर रही थी, सो मैंने सुबह नान पानी से किया था, तो आई वॉज लाइक यार घर की याद आ रही थी। एंड बोलते हैं ना ऊपर वाला आपको अकेला नहीं छोड़ता, सो आई गॉट दिस, बहुत दिन बाद खाने को मिला है। तो आज हम इसी से अपना अफ्तार करेंगे, अभी हम पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं, फिर उसके बाद हमारी क्लास है 2 PM पे। एंड दिस इज माय होल लुक, आज मैंने ये पहना था, ये मेरी सिस्टर ने मेरे को गिफ्ट किया था ये सूट, एंड ये दुपट्टा भी मेरी सिस्टर ने दिया था, सो आज मैंने ये ड्रेसअप किया था। हाउ स्वीट, इतने सारे परोठे, मतलब रोटी है बेसिकली यहाँ के अकॉर्डिंग। तो आप प्रेयर करके मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि हमारी क्लास 2 PM से है और मैं थक गई हूँ लिटरली। पता है क्या होता है कि जैसे आप लोग कमेंट कर देते हैं बिना कुछ जाने समझे, ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरे को बोलना नहीं था, बट यू नो मैं नहीं बोली कि मैं बहुत वर्स्ट सिचुएशन में रोज़े रख रही हूँ, बट द थिंग इज़ ये मेरे लिए इजी भी नहीं है क्योंकि कभी मैंने इस तरीके से नहीं रखा रोज़ा। लाइक फैमिली में बहुत कम्फर्ट आपको मिलता है, बट फिर भी लाइक अगर आप मॉर्निंग की बात करें तो कभी होता है कि सैंडविच बना रहे मैंने, कभी बटर नान ऑर्डर कर लिया, बट उसके साथ मेरे पास क्योंकि मैं चाय डेली बनाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी तलब होती है चाय की, क्योंकि मैं बिना चाय के अपना दिन स्टार्ट नहीं करती थी, बट यहाँ कर सब चेंज हो गई है आदतें क्योंकि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जीना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं डेली चाय बनाती हूँ और वो डेली ख़राब हो जाती है इस उम्मीद में कि भैया आज से ही हो जाएगी। फिर क्या होता है एट दी एंड मुझे नान या फिर जो मेरा सैंडविच होता है उसमें पानी के साथ खाना पड़ता है, एंड इस तरीके से मैं अपना रोज़ा रखती हूँ। एंड इवनिंग में क्या होता है कि मेरे पास अगर फ्रूट अवेलेबल होते हैं, वैसे मैं फ्रूट रखती हूँ ऑल द टाइम क्योंकि इससे अलग मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं बनाना ले लेती हूँ एनीवे, और उसके साथ कॉफ़ी, सैंडविच होता है सैंडविच, दैट्स इट। इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मेरे रोज़े बहुत हार्ड चल रहे हैं, बट जैसे मैंने अभी तक रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए बहुत हार्ड है। सो आप किसी को ऐसे जज ना कीजिए, मेरे को बताना नहीं था ये, लेकिन होता है यार आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे पॉक पॉक करते रहते हैं, सही नहीं है। एंड पॉजिटिव रहो यार, क्यों दूसरों में कमी ढूंढते हो, अपने ऊपर काम करोगे तो दूसरों की कमी निकालने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। चलो मिलते हैं आपसे दोबारा से, तो अभी हम करते हैं रेस्ट। मैं अपनी रूममेट से बात कर रही थी, यस वो बोल के गया था उन लोगों से, तो अभी हम सोते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। या चुकी हूँ और अभी ना हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर क्योंकि मुझे कुछ चीज़ खरीदनी है खाने की और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसको, बिकॉज टुडे इज़ लास्ट फ्राइडे, अलविदा जुमा। सो चलते हैं वहाँ एंड स्टे कनेक्टेड।